सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को हम एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में इन दोनों की जगह हम इंटरनल और एक्सटर्नल का वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड मोटिवेशन का क्या मतलब होता है। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी के अंदर कोई स्टिम्युलेट क्रिएट कर देना, किसी के अंदर कोई विलिंगनेस क्रिएट कर देना, किसी के अंदर कोई डिजायर क्रिएट कर देना किसी चीज को पाने की। तो स्टिम्युलेट का मतलब होता है कुछ होना, किसी चीज का रिएक्शन को होने को हम स्टिम्युलेट कहते हैं। विलिंगनेस का मतलब चाहत, किसी चीज की ख्वाहिश करना, डिजायर। तो मोटिवेशन का मतलब ये होता है। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी ली जाती है कि किसी चीज की जरूरत को पैदा करना दूसरे को सेटिस्फाई होने के लिए, उसके अंदर उसको कहना कि यार जब तक ये चीज आपको नहीं मिल जाती आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपको नौकरी नहीं मिलती या आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप मुतमिन नहीं होंगे। तो ये क्या, एक मैंने आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट कर दी है। तो बेसिकली मोटिव का मतलब होता है किसी मकसद को भी हम मोटिव कहते हैं। तो कोई भी काम है ना, हम किसी मोटिव से करते हैं, हर काम मोटिव की घर से करते हैं। जैसे अभी आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो कोई इसके पीछे मोटिव है। आप चाहते हो कि मुझे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट पता चल जाए, या आपने एग्जाम देना है तो आप चाहते हो मेरा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो मैं अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकूं। तो कोई ना कोई मोटिव होता है जो भी हम काम करते हैं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि जो हमारी इंटरनल मोटिवेशन होती है, हमारे अंदर की जो मोटिवेशन होती है, हम खुद के बारे में, खुद अंदर से जो सेटिस्फैक्शन हमारी होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। जैसे हमें पता है कि झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना अच्छी बात है। तो जब तक हम सच नहीं बोलते, हम सच्ची बात नहीं करते, तब तक हमारा इंटरनल, हम अंदर से सुकून में नहीं होंगे। इसको कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। हमें अंदर से कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हम झूठ नहीं बोलते, ये गलत बात है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना, ये क्या है, हमारी इंटरनल मोटिवेशन है। तो जब इंसान की इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, इंसान एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहता। अभी एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन ये है कि आप पैसा सबसे बड़ी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। किसी चीज़ की रेपुटेशन होगी, इज्जत, कि आपको सारे लोग सलाम करें, आपको देख के कहें वाह ये कमाल का बंदा है, इसके पास बहुत नॉलेज है, कोई ग्रेड हो गया, किसी चीज़ की पावर होगी। तो ये सारी क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास घर हो, बंगला हो, मकान हो अच्छा सा, तो मेरे पास नौकर हो, ये क्या सारी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मुझे उस मुकाम पे जाना है ताकि लोग मेरी इज्जत करें, ये क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो जब इंसान के अंदर इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, तो वो एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं रहता, उसे एक्सटर्नल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता एक्सटर्नल मोटिवेशन से। मतलब एक जो बंदा है उसको पता यार मैंने ये काम करना है, उसके दिल कहता है, उसका पैशन है, उसका स्किल है कि वो ये काम करेगा तो उसे सुकून मिलना है, उसको पैसों से नहीं फर्क पड़ेगा, वो काम वो करेगा, बेशक उसे पैसे ना भी मिले तो वो काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर की ख्वाहिश है, उसके अंदर की मोटिवेशन है कि जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा मेरा अंदर से मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। मैंने अगर किसी के पैसे है मेरे पास, जब तक मैं उसकी अमानत उसे वापस नहीं काट दूंगा मुझे अंदर से सुकून नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, किस्म की इंटरनल मोटिवेशन है। आपने सुना होना है लोग कहते हैं मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं इस मुल्क को बदल दूंगा। तो बेसिकली आप खुद को तो पहले अंदर से बदलो। जब आप खुद को अंदर से बदल लेते हो ना, अपने अंदर, अपने आप को अंदर से ठीक कर लेते हो, तो फिर बाद की बात करो। और वो बात की जाती है ना कि अपने पाँव इतने फैलाओ जितनी चादर है, चादर के अंदर उतनी पाँव फैलाओ, पता नहीं जो भी है मुझे नहीं याद है, तो उतने पाँव फैलाओ। इसका ये लॉजिक लिया जाता है कि जितना आप कर सकते हो उतना करो, ये नहीं कि मैं मुल्क को बदल दूंगा, जितना आप कर सकते हो उतना करो। ये आप अपने पर्टिकुलर एरिया को बदलो, अपने मोहल्ले को बदलो, अपने टाउन को बदलो, जिधर तक आपका हाथ जाता है, जिधर तक आपकी बात सुनी जाती है उधर तक बदलो, फिर बाद की बात करो। तो इसको कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन, जो आपके अंदर की मोटिवेशन होती है, और एक्सटर्नल जो आप बाहर से देख के सोशल चीज़ों को, सोशल नीड्स को, गाड़ी बंगला इन चीज़ों को, दोस्तों को देख के जो चीज़ों से मोटिवेट होते हैं कि मेरे पास भी ये होनी चाहिए, उसको कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। आई होप आपको इन दोनों का कंसेप्ट पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।